भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 का 12वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को निमंत्रण दिया कि आप आएं और बल्लेबाजी करें। पाकिस्तानी टीम ने शानदार शुरुआत, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाने शुरू किए। जसप्रीत बुमराह एक एंड से रन रोक रहे थे, वहीं मोहम्मद सिराज की एक एंड से जमकर धुनाई हो रही थी, लेकिन 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार शतक जड़कर आए थे, उन्हें मोहम्मद सिराज ने अंदर आती गेंद पर LBW आउट किया और 24 गेंदों में 20 रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। लेकिन फिलहाल क्रीज पर इमामुल हक और बाबर आजम डटे हुए हैं। बाबर आजम आते ही शानदार चौका जड़ चुके हैं, वहीं इमामुल हक 26 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद हैं, 4 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। बड़ी बात यह है कि पावर प्ले के अंदर जिस अंदाज से पाकिस्तान को स्टार्ट मिला है, पाकिस्तान की टीम सोचेगी यहां से एक अच्छी साझेदारी की जाए जिससे कि भारतीय टीम को दबाव मिलाया जा सके। आपको बता दें कि पिच आज बिल्कुल फ्लैट है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर गेंदबाजी करना। भारतीय गेंदबाज भी यहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। अंडर लाइट्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ पर बल्लेबाजी करना, लेकिन जिस अंदाज से भारतीय टीम फिलहाल खेल रही है तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत को यहाँ पर विकेटों की तलाश है। गेंदबाजी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 1 मैडन 14 रन, कोई सफलता नहीं। मोहम्मद सिराज 4.1 ओवर 26 रन 1 विकेट। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 7 रन, कोई सफलता नहीं। पावर प्ले में कुल मिला के टीम इंडिया का दबदबा उतना देखने को नहीं मिला जिस चीज के लिए भारतीय गेंदबाज जाने जाते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।